हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आ गए सब? चलिए, दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव. वेलकम टू अनअकैडमी लेक्चर सीरीज फॉर नीट 2020 के अंदर. आज की क्लास के अंदर हम जेनेटिक्स, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जेनेटिक्स से आज शुरू करेंगे. और सबसे बढ़िया वाली बात इसकी, इट वर्क्स लाइक मैथमेटिक्स. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाक से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाले. ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अनअकैडमी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. आप सभी को पता है यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस, मेरी भी स्पेशल क्लास हो चुकी है और बहुत सारी स्पेशल क्लासेस यहाँ पर आप लोगों के लिए है. ठीक है, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलता है. सबसे अच्छी चीज है इसकी ये, और ऑनलाइन सिस्टम, आई एम इन लव विद दिस सिस्टम. तभी तो यहाँ से वहां, मतलब इट इज एनी टाइम एनी वेयर, आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई फाउंडेशन नहीं. ठीक है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज, 11, 12 ड्रॉपर्स बैच के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर है. सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा. उसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे. फिर आपके पास सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा. आप सब्सक्राइब करते वक्त मेरा प्रोमो कोड है लाइव SB, इसे जरूर अप्लाई करें. इससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट और मिलेगा फीस में. बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है. 1 month, 3 month, 6, 12, 24, जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन उतना ही ज्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, देख लो आप. ठीक है, चलिए तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रेडी हैं? यस, 80 प्लस, मैंने बोला था ना 80 प्लस के बाद ही मैं शुरू करूंगी. चलिए हम लोग अब अपना आज का सेशन शुरू कर सकते हैं. आलोक कुमार मुझे पूछ रहे हैं, मैं फटाफट से लास्ट चैट डिस्कस करी, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे. प्लांट फिजियोलॉजी, बच्चे इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी उठाऊंगी मैं. ठीक है, चलिए मैम प्लीज, प्लांट, बेटा बच्चे प्लांट फिजियो ही कराऊंगी मैं इसके बाद. मीना कह रहा है खाना खाने में देरी हो गई इसलिए क्लास से शायद लेट आए हैं. कोई टेलीग्राम ग्रुप का नाम बताएगा क्या? पिंकू सूरा, सबसे पहला पेज मेरा टेलीग्राम ग्रुप का है, आप देख लीजिएगा. चलिए, तेजस ने, बहुत प्यारा बच्चा है ये, इसने आंसर देना भी शुरू कर दिया. बहुत से बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया. चलो हम लोग, चलिए फटाफट से सेशन शुरू करते हैं. अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, सबसे पहली चीज तो चलिए आपने आंसर्स तो दे दिए किसके सही है किसके गलत मैं बाद में बताऊंगी. एज आई टोल्ड यू कि हम क्वेश्चंस के थ्रू ही थ्योरी यहां पर डिस्कस कर रहे हैं. कोडोमिनेंस की बात हो तो आपको पता है मेंडल सर का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन थे दो, दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द कोडोमिनेंस. तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, जैसे कि मेंडल सर का लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ये कहता है कि डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. दिस इज द मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस. मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, जैसे कि सपोज करो हम नॉर्मली देखें कैपिटल लेटर, हम इसको आपके कैपिटल लेटर को हम लोग डोमिनेंट, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है, स्मॉल आर इज फॉर द रिसेसिव वन. ठीक है, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होना चाहिए, जैसे सपोज करो कैपिटल आर इज फॉर द रेड कलर, स्मॉल आर इज फॉर द पिंक कलर, तो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस से होना चाहिए इट इज ऑफ रेड कलर. क्योंकि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा. लेकिन बच्चों इसका जो दूसरा एक एक्सेप्शन है, दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कुछ एग्जाम्पल है, दैट इज द फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन फ्लावर एंड फैदर कलर इन एंडोल्सियन फाउल. ये तीन एग्जाम्पल शुड बी ऑन योर टिप्स. फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन फ्लावर एंड फैदर कलर इन एंडोल्सियन फाउल, ये आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है. अब अगर सपोज मैं इसी की बात करूं, कैपिटल आर इज फॉर द रेड कलर, स्मॉल आर इज फॉर द वाइट कलर, और अगर यहाँ पर ये मिराबिलिस जलापा की बात होती तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर रेड नहीं होता, इसमें होता इनकम्प्लीट डोमिनेंस लगता. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये कहता है दोनों ही अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. देयर इज द ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि रेड और वाइट मिक्स होके ये आपके पिंक कलर का दिखेगा. ये कहता है आपका मेंडल सर का लॉ ऑफ डोमिनेंस, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो मेंडल सर के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है. दूसरा एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस.
बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो क्या हुआ, कैरेक्टर्स की हो गई मिक्सिंग, और कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं ये अपने आप को पूरी तरीके, मतलब दोनों ही कैरेक्टर्स मिक्स, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इसमें किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलती है। देखिए लिखा है, इन दिस फिनोमेना बोथ द जीन एक्सप्रेस्ड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन F1 हाइब्रिड प्रोजेनी, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, मतलब कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। जैसे कि कोडोमिनेंस, कोट कलर इन एनिमल, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। अब देखो कोट कलर इन एनिमल्स इज द एग्जाम्पल, क्या होता है एक्चुअली, जैसे ब्लैक कलर है, ए बी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, दोनों दिखते हैं ना, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। अब मैं बता रही हूँ ना कोट कलर कैसे, सपोज करो R1 को मैं ब्लैक मान रही हूँ, प्योर ब्लैक को, ठीक है, इट इज फॉर द कोट कलर। R2 इज फॉर द वाइट, प्योर ब्लैक को प्योर वाइट के साथ क्रॉस कराया, R1 R2, ये रोन कलर होगा। रोन कलर क्या, रोन कलर में ये होता है कि ब्लैक भी एक, मतलब कुछ हिस्सा ब्लैक होगा कुछ हिस्सा वाइट होगा, दोनों अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि ब्लैक और व्हाइट का मिक्सिंग होके ब्राउन कलर आ रहा है, दिस इज द कोडोमिनेंस, ठीक है। ऐसे ही तो कोडोमिनेंस क्या है, मेरे हिसाब से ये सभी को क्लियर हो गया होगा, हो गया कोडोमिनेंस सभी को क्लियर हो गया होगा। आपको इसके एग्जाम्पल शुड बी ऑन योर टिप्स, इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, और आपका कोडोमिनेंस जो है कोट कलर इन एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन, अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज वन एलील डोमिनेंट ऑन द अदर, नो, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, इसी का एक्सेप्शन है ये तो। नेक्स्ट ऑप्शन, अलील टाइटली लिंक्ड ऑन द, फटाफट से आंसर पोस्ट कीजिए, अलील टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, नो, अलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, या फिर बोथ अलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेटरोज़ाइगोट, मैंने यही बताया ना, दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं, इसमें कोई मिक्सिंग या कोई ब्लेंडिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। दैट्स वाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, प्रहलाद का प्रतीक सारंग कदम, बच्चा आ गया है ये सारंग, मुझे कुछ के तो नाम याद हो गए हैं, तेजस हर सेशन लेते हैं, बहुत सारे, डॉक्टर विकास साहू, कभिनंदन, अनुराग दुबे, बिहारी बाबू, आपका भी मुझे नाम याद है, ठीक है, आलोक कुमार, साहिल, कभिनंदन, प्रतीक राज, सोनू कुमार, अरमान मलिक, सबके, अंकित सिंह, आहा, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। चलिए हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं इसका मतलब, चलिए बहुत बढ़िया बात है। या नेक्स्ट, फटाफट से डाउट, फटाफट से आंसर काउंटर कीजिए इसका। The term linkage, it was coined by, question इसीलिए डाला है, AIIMS 2015 में पूछा गया है, बाकी के साइंटिस्ट के नाम नहीं इंपॉर्टेंट होते, मैं बोलती हूँ छोड़ दीजिए, लिंकेज का नाम याद रखना जरूरी है। लिंकेज टर्म किसने दिया था, जल्दी से मैं देखती हूँ कितने आंसरों ने सही जवाब दिया है। सारंग कदम का बिल्कुल सही जवाब है, साहिल का सही जवाब है, अल्फाज का सही जवाब है, कलिंग दास का सही है, और किसने सही जवाब, रवि का जवाब एकदम सही है, अनुपमा ने सही दिया है, साहिल ने सही दिया है, कुमार सुप्रिया फॉर स्टडी, अनुराग, अरे बहुत टेक्निकल ऑनलाइन सेटिंग्स भी आ गए हैं, रवि, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए तो आगे शुरू करते हैं, सबके सही जवाब आ रहे हैं। या मॉर्गन सर ने, लिंकेज टर्म जो है इट वॉज गिवन बाय मॉर्गन, ये मिस्टेक है बच्चों, जॉर्ज मेंडल होगा ये, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सिर्फ डराने धमकाने के लिए, आप लोगों को मन में एक फियर बनाने के लिए कि पता नहीं क्या पूछ लिया है ये क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा और खतरनाक वर्ड्स, मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, बाकी एकदम चूहा क्वेश्चन है ये, रिपीटेशन है, और फटाफट से आंसर पोस्ट करेंगे, अभी तो बच्चों ऑप्शन दिख ही नहीं रहे तो आप आंसर कैसे पोस्ट करोगे। If two person with AB blood group, दो person जिनका blood group AB है, husband wife दोनों का, वो आपस में शादी करते हैं, and they have sufficiently large number of children, उनके जो बच्चे हैं उनका जो blood group है, they could be classified as A blood group, AB blood group and B blood group, ये किसी काम का नहीं है, 1:2:1 के ratio में है। मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवेल द प्रेजेंस ऑफ बोथ एंड ए बी टाइप ऑफ प्रोटीन इन ए बी ब्लड ग्रुप,
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कुल मिला के इतनी राम कहानी पूछ के उसने ये पूछा है कि ए बी ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल चूहा क्वेश्चन, या इट इज एन साहिल इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड मल्टीबिट से ये गलत है, या फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डोमिनेंस इज द करेक्ट वन, को डोमिनेंस एकदम सही जवाब है इसका, ठीक है। चलिए, ए बी ब्लड ग्रुप कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, और एक और क्या बताया था मैंने, कोट कलर इन एनिमल्स दे आर द वेरी गुड। आज हम 100 क्रॉस कर चुके हैं लाइव, वेरी गुड। चलिए ऐसे ही आप लोग प्यार मुझे अपना देते रहिए, हम आगे बहुत अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए लेके आएंगे। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी अगेन चूहा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के किया है, कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी सारे डिस्कस कर चुकी, मैं यही दिखा रही हूँ कि कोडोमिनेंस से किस किस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन आंसर एकदम सही हो, सिंपल सा होगा। फटाफट से अपने आंसर काउंटर कीजिएगा, इसमें बहुत फ्लक्चुएशन आ रहा है आपके आंसर्स में बच्चों, ध्यान से पढ़िए, है बहुत सिंपल। विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपेक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजम्बल बोथ द पेरेंट, F1 जनरेशन दोनों पेरेंट को रिजम्बल करती हो, इट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या फिर को डोमिनेंस। देखती हूँ कितने जब बच्चों ने सही जवाब दिया है। मैम अनअकैडमी ऐप पे टेस्ट लो ना अनुराग जी, बिल्कुल बहुत जल्दी मैं लेकर आ रही हूं आपके लिए। आंसर इज बी, लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे हैं तेजस, गलत है बच्चे। फोर्थ का आंसर भी सब लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे हैं। अच्छा मेरे को एक चीज आप लोग बताइए, अधिकतर बच्चों का आंसर बी आया है, कुछ बच्चों ने अल्फाज निगम ने डी दिया है, कभिनंदन ने आंसर डी दिया है, शक्ति सागर का जवाब एकदम सही है, कभिनंदन, बाकी बहुत सारे बच्चों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है। अच्छा मैं आपसे अभी को डोमिनेंस इज द करेक्ट वन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस किस हिसाब से दिया, F1 जेनरेशन में। चलो मैं पहले मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की मैं बात कर लूँ, क्यों लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं और क्यों को डोमिनेंस इसका आंसर है। सुनिए मेंडेलसन का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, देखो उनने क्या किया था, प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ जब क्रॉस कराया, उन्होंने प्योर ये उन्होंने जीनोटाइप नहीं देखा था, उन्होंने तो सिर्फ फीनोटाइप ही देखा था वैसे, कि टॉल को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला, टॉल प्लांट ही मिला, इट इज हीट्रोजाइगस टॉल, पर मेंडल सर ने हीट्रोजाइगस टॉल नहीं देखा, उन्होंने बोला प्लांट टॉल ही है, यानी कि उन्होंने ये कहा कि F1 जनरेशन जो है अपने किसी एक पेरेंट की तरह है, क्योंकि दूसरा पेरेंट तो ड्वार्फ था ना, तो F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, नो बोथ द पेरेंट्स नहीं, मेंडल सर का लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ये कहता है कि जो F1 जनरेशन किसी एक पेरेंट की तरह दिखेगी, दोनों पेरेंट की तरह कब दिखा, जबकि इसने क्या बोल रहा है, F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस वो तो मेंडल सर ने बोला था कि F1 जनरेशन दोनों में से किसी एक पेरेंट की तरह दिखेगी, इसीलिए बच्चे फर्स्ट जवाब सेकेंड ऑप्शन सही नहीं है। एंटी रैनम अब समझ में आया, चलो अब देखो, अब इसलिए इसका आंसर दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल कौन करता है, अभी जस्ट बताया कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ए बी ब्लड ग्रुप, रोन कलर, बकायदा एग्जांपल ब्लैक और व्हाइट, तो ब्लैक और व्हाइट दोनों सेपरेटली अपने आप को F1 जनरेशन में दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है कैरेक्टर की, कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, this is the co-dominance, that's why for this particular question straightforwardly fourth will be the correct option, is it clear to everybody, jin 5% students ki main baat karti hu jo select hoga, yahan aapka difference bahut se bacche iska jawab galat jawab de rahe ho, jaisa ki abhi bhi humne dekha ki bahut sare students ne galat jawab diye hain, ma'am questions are slightly invisible due to video screen, प्लीज डोंट माइंड बोथ और नॉट टाइप क्वेश्चंस, ओके बच्चे इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम लोग नेक्स्ट टाइम से छोटा कर देंगे, आई विल टेक केयर ऑफ दैट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, ओके। और आपको जो भी और भी कोई कमी लगती है, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट, प्लीज आप मेरे को डाल दीजिएगा, बिल्कुल जी मैं अभी देख रही हूँ स्क्रीन पर, मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे तो मेरी फोटो दिखती नहीं है जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, बिल्कुल यहाँ पर कुछ फॉन्ट आपके, मैं फॉन्ट साइज नेक्स्ट टाइम से इसमें कम करवा दूंगी, ठीक है बच्चे। चलो
अभी फिर ऐसा है तो मैं पहले क्वेश्चन पूरा वर्बली पढ़ूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आप डाउट काउंटर कीजिएगा, ठीक है? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द गिवन एग्जाम्पल. बच्चे सेक्स डिटरमिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? यहां से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगी, आपको जो विजिबल नहीं हो रहा होगा कंडीशंस के बाद है करेक्टली डिस्क्राइब, ठीक है? डिटरमाइनिंग के बाद सेक्स डिटरमिनेशन के लिए पूछा है इसने. क्लियर बच्चे? सॉरी फॉर दैट बच्चों, मैं नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ध्यान रखूंगी. फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम लोग कम कर लेंगे, आपको ये कंप्लेन नहीं होगी नेक्स्ट टाइम से. या चलिए मूव ऑन करते हैं. तो सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें बच्चों, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं आपको सेक्स डिटरमिनेशन की मैकेनिज्म आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्विच ऑन टू द क्वेश्चन. चलिए मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन हम लोग देखते हैं. तो बच्चों दो तरीके हैं इसके, दो तर पहले बता, एक तो होता है आपका एलोसोमिक डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है आपको सबको पता है कि दो टाइप के हैं, एक तो होते हैं ऑटोसोम और द सोमैटिक क्रोमोसोम, जो कि जितने भी सोमैटिक कैरेक्टर्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं. दूसरा है एलोसोम या फिर बोलिए हीट्रोसोम या फिर हमें जिन्हें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है? तो क्रोमोसोम दो टाइप के हैं, ऑटोसोम और द सेक्स क्रोमोसोम. हम सबसे पहले बात करें, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूं आपके साथ, शुड बी ऑन योर टिप स्टूडेंट्स. पहला टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इसके अंदर जो दे रखा है, इट इज एक्स एक्स या फिर बोलिए एक्स वाई टाइप या फिर लाइजूस टाइप. एक्चुअली ये जो टाइप है ना, नाम ये इसलिए रखा है, एक्चुअली सबसे पहले विल्सन एंड स्टीवंस ने लाइजूस नाम के इंसेक्ट में ही देखा गया था, उन्होंने सबसे पहले इसको यहीं पर देखा, इसलिए इसका नाम इसी के नाम पर भी रख दिया. और जैसा कि सबसे पहले इसमें साइंटिस्ट का नाम विल्सन एंड स्टीवंस इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये, ठीक है? तो ये इस टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन जो है सबसे पहले विल्सन एंड स्टीवंस ने लाइजूस इंसेक्ट्स के अंदर देखा. क्या है ये? इसमें है एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल. नाम से ही पता, मतलब यहाँ इससे हेडिंग से ही पता लग रहा है कि इसमें फीमेल तो है एक्स एक्स टाइप, मेल है एक्स वाई मेल, यानी कि फीमेल तो होती है होमोगैमेटिक, दैट इज दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज द एक्स, एंड मेल है हीट्रोगैमेटिक, दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज द एक्स एंड वाई, ठीक है? एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल का एग्जाम्पल है मैन. ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे में ऐसा ही होता है. एंड डायोशियस प्लांट्स जैसे कि कॉक्सीनिया एंड मेलेंड्रियम शुड बी ऑन योर टिप्स. एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल का एग्जाम्पल है मैन, कॉक्सीनिया एंड मेलेंड्रियम. डायोशियस प्लांट्स में है कॉक्सीनिया मेलेंड्रियम, ये एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल का एग्जाम्पल है और ये इसका है, ठीक है? चलो नेक्स्ट है जेड डब्ल्यू फीमेल एंड जेड जेड मेल. आपने देखा होगा दूसरा टाइप में फीमेल हो गई हीट्रोगैमेटिक, मेल हो गए इसके अंदर होमोगैमेटिक. ये कहां देखने को मिलता है? अगेन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंसेक्ट्स के अंदर जैसे कि बटरफ्लाइज के अंदर, मॉथ्स के अंदर, वर्टिब्रेट जैसे कि बर्ड्स, फिशेस एंड रेप्टाइल्स, इनके अंदर इसी टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन पता प्रेजेंट होता है. कौन सा? ये कुछ जैसे कि बटरफ्लाई, मॉथ्स, बर्ड्स, फिशेस एंड रेप्टाइल्स. प्लांट किंगडम में फ्रेजेरिया इलेटियर, इसके अंदर इस टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन प्रेजेंट होता है जिसमें फीमेल हीट्रोगैमेटिक होती हैं और मेल जो हैं ये आपके होते हैं होमोगैमेटिक. इज इट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है आपको ये? चलिए मैं एक बार देख लूं बर्ड्स किस, बिल्कुल हाँ बच्चे ये लाइव ही है बिल्कुल. शुभम विश्वकर्मा, इज इट लाइव? या मैं बिल्कुल आपकी बातें पढ़ रही हूँ, बीच बीच में मैं देख रही हूँ. कोटा फैकल्टी ऑन अनअकैडमी, जी बिल्कुल मैम. एबीओ इज मल्टीपल अलील है या नहीं? एबीओ ब्लड ग्रुप नेक्स्ट सेशन में आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू देयर. या इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील. चलो समझ में. नेक्स्ट इज द एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स नॉट मेल. आपको पता लग रहा है इसमें फीमेल तो है होमोगैमेटिक, मेल हीट्रोगैमेटिक है. इसके अंदर एक मेल जो है इनके अंदर वाई क्रोमोसोम जो है ये कम होता है, वन क्रोमोसोम कम होता है इसके अंदर. प्रोटीन और टाइप भी कहते हैं. इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वन क्रोमोसोम इन मेल
और इसका दूसरा नाम ये प्रोटीन और टाइप भी आप ध्यान रखेंगे, इसके एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। ग्रास हॉपर, स्क्वैश बग, एनासा, कॉकरोच, एस्कैरिस और कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि डिस्कोसेरा, साइन्यूटा एंड वेलिसनेरिया स्पायरलिस, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन और टाइप, और एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स नॉट मेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रास हॉपर है, स्क्वैश बग एनासा है, कॉकरोच है, एस्कैरिस है, कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि डिस्कोरिया, साइन्यूटा एंड वेलिसनेरिया स्पायरलिस, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इट इज ऑल अबाउट दिस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रास हॉपर, बिल्कुल, अभी हमने एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स नॉट मेल, दैट इज द प्रोटीन और टाइप पढ़ा, जिसमें मेल फीमेल होती थी, होमोगैमेटिक मेल हीट्रोगैमेटिक विच लैक वन क्रोमोसोम, और उसके एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था ग्रास हॉपर, स्क्वैश बग, एनेसा, एस्कैरिस, कॉकरोच, डिस्कोरिया, साइन्यूटा एंड वेलिसनेरिया स्पायरलिस, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी एक्स नॉट कंडीशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर एज फाउंड इन द टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन द फीमेल, ये सब खैर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको अभी जस्ट, लेकिन बच्चों ये सारे आज का सेशन जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाइज बहुत बहुत क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं, तो हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे से पढ़कर बैठेंगे। देख लीजिए इसमें आपके एक्स 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 वाई टाइप या फिर इसका ये लाइजिस टाइप भी फेमस है नाम, इसमें आपको पता है फीमेल हीमोगेमेटिक और होमोगेमेटिक और मेल हीट्रोगेमेटिक आपके मेन के अंदर तो होते ही है, साथ में कुछ डायोशियस प्लांट हैं जैसे कि कॉक्सिनिया एंड मेलेंड्रियम, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। फीमेल हीट्रोगैमेटिक है और मेल होमोगैमेटिक है, ये नाम बेहद इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल शुड बी ऑन योर टिप्स, कि कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई के अंदर, मॉथ्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स के अंदर है, प्लांट किंगडम का ये नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, फ्रेजेरिया एलेटियर शुड बी ऑन योर टिप्स। प्रोटीन और टाइप अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ग्रास हॉपर, स्क्वैश बग, एनासा, कॉकरोच, ठीक है, एस्कैरिस, डिस्कोरा, सैन्यूटा एंड वेलिसनेरिया स्पायरलिस, इट इज ऑल अबाउट दिस, इट इज ऑल अबाउट दिस। अब जल्दी से किसी को यहाँ तक, आज की तो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने आप लोगों के साथ पूरा कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस किया है, इसमें कोई दिक्कत हो तो किसी को डाउट एनकाउंटर कीजिए, ठीक है। को डोमिनेंस मैंने आपको बताया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया था, मैं हूं अल्फाज क्रिस्ट ऋतिक राज, क्लियर है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने जितना आपको कोई भी मैम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कब होगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बच्चे आप डाउट पूछिए मैं एनकाउंटर करूंगी। मैम हाउ टू नीट बायोलॉजी, ये क्या क्वेश्चन हुआ बच्चे, मैं हूं सारंग, चलो सबको क्लियर है ना। हाँ मैं आपको ये पूछ बोल रही थी, अभी तक यहां तक कोई डाउट हो, सिंपल सी चीज, अभी बहुत छोटी छोटी चीजें, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस भाई कि रिसेसिव फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, एक्सेप्शन दो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के तीन एग्जाम्पल बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, फैदर कलर इन एंडोल्सियन फाउल एंड फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, ठीक है। इसमें मैंने बताया मिक्सिंग यानी कि ब्लेंडिंग हो जाती है कैरेक्टर्स की, रेड और व्हाइट मिलके पिंक आएगा, दिस इज दैट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपन ने पढ़ा कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में कैरियर ऑफ सिक, तीनों एग्जांपल शुड बी कॉट कलर इन एनिमल्स, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड इनहेरिटेंस ऑफ एबी ब्लड ग्रुप, कोई मिक्सिंग कोई ब्लेंडिंग नहीं है, दोनों अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस करते हैं। ये हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस पढ़ा, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन के सारे एग्जाम्पल शुड बी ऑन योर टिप्स, इज इट क्लियर। अमन मलिक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में मिलेगा अब आपको, इट इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। आज का सेशन इतना ही, पढ़कर जरूर आना नेक्स्ट क्लास में, ये सेशन पूरा अच्छे से आपको ऑन टिप्स होना चाहिए, नोट शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए हर एक लेक्चर के बाद, कि आज की बहुत छोटी छोटी सी चीजें इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस और सेक्स डिटर्मिनेशन के डायरेक्टली एग्जाम्पल, एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल का क्या था,
जिसमें फीमेल हिट्रोगैमेटिक है या फिर जिसमें मेल प्रोटेनोर टाइप के एग्जांपल्स क्या थे, ये सारे एग्जांपल्स बिल्कुल आपको ये पूरे शॉर्ट नोट्स में आप बना लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनके साथ थ्योरी डिलीवर कर रही हूँ, 70% हिट रेट आएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है? तो इसलिए आप नोट्स बना लेना और बेल आइकन को हिट करना ना भूले फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। जितने भी बच्चे लाइव हैं, 100+ स्टूडेंट्स थे, फटाफट से मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरा प्लस पर कोर्स लॉन्च हो चुका है, क्रैश कोर्स 11 से वहाँ पर क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी। सुबह 9 से 11 मैं आपसे प्लस पर मिलूंगी। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत मेहनत के साथ उसे मैंने बनाया है। मैंने आपको जैसे कि बताया, ये कोर्स आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होने वाला है। एंड आई अश्योर यू गाइस, वो कोर्स आपके लिए हो सकता है जिन बच्चों ने नालायकी मारी हो या फिर नहीं भी मारी हो, साल भर लग के पढ़ाई की हो या नहीं की हो, दोनों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है आपके सिलेक्शन के लिए। बहुत बेहतरीन कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है प्लस पर, जो 11 तारीख से हम लोग सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मैं वहां पर आपको लाइव मिलूंगी, ठीक है? तो सब्सक्राइब करते वक्त मेरा प्रोमो कोड है लाइव SB, इसको अप्लाई करना ना भूलें, आपको 10% का डिस्काउंट वहां पर मिलेगा। और क्या पूछ रहे हैं मैम, विच टाइम यू टेक क्लास? यहाँ पर लेट्स क्रैक नीट UG चैनल पर बच्चों मैं सुबह 11 बजे और रात को 10 बजे पढ़ाऊंगी, और क्रैश कोर्स के अंदर मैं 2 घंटे का सेशन लूंगी आप लोगों का 9 से 11, ठीक है? 9 से 11 प्लस पर, 11 से 12 लेट्स क्रैक नीट UG पर, और फिर रात में 10 से 11 लेट्स क्रैक नीट UG पर, ओके? तेजस मुझे बोल रहे हैं, मैं चाहती हूँ बच्चे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मिलके बाद में आप लोग हमारी हेल्प करें, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट सेशन हम लोग कल सुबह मिलेंगे, अब हम लोग सुबह 11 बजे, क्लियर? चलो, थैंक यू, बाय बाय। और अभी गुड नाइट मैं आपको इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आज का सेशन एटलीस्ट आप फटाफट से रिवाइज करके अपने नोट्स बनाने के बाद ही इस सेशन को खत्म करना, ओके? अभी नहीं सोना है, चलो बाय बाय।